टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू कंप्यूट द फ्लड एस्टिमेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है कि कैसे इसको निकाला जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो फ्लड एस्टिमेशन के चार मेथड्स है। कौन कौन से मेथड है? पहला जो है आपका वो है रेशनल मेथड, दूसरा जो है वो आपका एम्पिरिकल मेथड, फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ से भी हम लोग फ्लड को एस्टिमेट कर सकते हैं, और तीसरा लास्ट जो है वो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे रेशनल मेथड और एम्पिरिकल मेथड, इससे कैसे फ्लड की पीक फ्लड डिस्चार्ज को निकाला जाए। सो पीक फ्लड जो है रेशनल मेथड से निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन QP इज इक्वल टू 1/36 C इनटू I इनटू A। इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द कैचमेंट एरिया इज लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर, और यहां पे सी क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट है, आई जो है आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में, बिल्कुल ध्यान में रहे कि यहां पे सेंटीमीटर पर आवर में ही रेनफॉल इंटेंसिटी लेना है, ए जो है आपका कैचमेंट एरिया है वो हेक्टेयर में ही पुट करना है, तब जाके आपका क्यूपी जो है पीक फ्लड डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। अब दूसरा जो मेथड है एम्पिरिकल मेथड, सो एम्पिरिकल मेथड जो है वो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं? डिकेंस फार्मूला, राइस फार्मूला और इंग्लिश फार्मूला। अब डिकेंस फार्मूला में यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि डिकेंस फार्मूला से पीक डिस्चार्ज कैन बी कंप्यूटेड CD इनटू A टू द पावर 3/4, वेयर QP जो है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में ही होगा, CD जो है वो डिकेंस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लाई करेगा 6 से 30 के बीच में इन बिटवीन, और A जो है वो कैचमेंट एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में होगा, और उसके उसमें पावर जो है वो 3/4 या 0.75। उसी तरह राइट फार्मूला जो है वो QP इज इक्वल टू CRA टू द पावर 2/3। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो 3/4 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी सेम चीज है, QP जो है वो पीक डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा, A जो है कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होगा, बट कांस्टेंट जो है राइट्स कांस्टेंट वो डिपेंड करेगा किस पे, तो CR कांस्टेंट जो है CR की वैल्यू जो होगी वो 6.8 होगी, कब? जब एरिया विद इन 80 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। सिमिलरली 8.8 होगी कब? जब एरिया विद इन 80 to 2400 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, और जब 10.1 कब होगा? जब लिमिटेड एरिया नियर द हिल होगा। अब तीसरा फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूला से जो पीक डिस्चार्ज निकालेंगे उसका एक्सप्रेशन जो है वो 124 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 10.4, या इसको इसको अगर जैसे लिखेंगे फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू 123 स्क्वायर रूट ऑफ A, वेयर A जो है वो कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, और QP जो है पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे फ्लड एस्टिमेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज को।